Hello students, welcome to Vaishali's e-learning. In this particular video, we are going to discuss questions from unit 2 of the subject data communication networks. So questions ki taraf padhne se pehle ek bar hum syllabus dekh lete hain ki unit 2 mein aapko kya kya topics cover karne hote hain. So unit 2 is going to be related to physical layer, theek hai, transmission media. कौन कौन से होते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइंस कौन कौन सी होती हैं, उन सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एरर डिटेक्शन करेक्शन फ्रेमिंग, फ्लो एंड एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल, नॉइजलेस चैनल एंड नॉइजी चैनल प्रोटोकॉल, HDLC प्रोटोकॉल एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो यूनिट 2 में हम लोग पढ़ते हैं. नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द dash of errors is more difficult than. So you have four options here. अब इसमें से correct option कौन सा है? The correction of errors is more difficult than detection of errors. अब ऐसा क्यों होता है? Suppose मैं कोई data भेज रही हूँ 1011 और मुझे जो data receive हुआ है वो है 1110. ठीक है? तो obviously मैंने जो data भेजा था वो exact data मुझे receive नहीं हुआ है. दो bits हैं जिसमें error है. Alright? तो जब मुझे एरर डिटेक्शन करना है तो मुझे बस ये आइडेंटिफाई करना है कि जो डेटा रिसीव हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, एरर करेक्शन में क्या करना होगा, मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी बिट पोजीशन में एरर है. ऑलराइट, सो इस वजह से एरर्स को डिटेक्ट करना इजी होता है एज कंपेयर टू करेक्शन ऑफ एरर्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोपोलॉजिस्ट यूज्ड इन नेटवर्क्स डू नॉट इंक्लूड. तो आप नेटवर्क्स में जो टोपोलॉजीज पढ़ते हो उन सबको स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं. तो आपके पास स्टार टोपोलॉजी होती है. ऑलराइट, यू हैव स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी इज आल्सो देयर, मैश टोपोलॉजी इज आल्सो देयर, प्लेन टोपोलॉजी नाम से कोई भी टोपोलॉजी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस डेटा इज ट्रांसफर्ड थ्रू. वायरलेस डेटा का मतलब है बेसिकली कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज करने वाली हूँ अपने डेटा को भेजने के लिए. यानी मेरा जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो कोई वायर नहीं है, वो एक वायरलेस मीडियम मैंने यूज किया है. ऑलराइट, तो आप वायरलेस डेटा को स्काई वेव की हेल्प से भी ट्रांसमिट कर सकते हो और ग्राउंड वेव की हेल्प से भी ट्रांसमिट कर सकते हो. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी बोथ. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्विस्टेड पेयर केबल वन ऑफ द वायर्स इज यूज्ड टू कैरी सिग्नल्स टू द रिसीवर एंड द अदर इज यूज्ड ओनली एज द ग्राउंड रेफरेंस. तो ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारे पास दो वायर्स होती है. ऑलराइट, उसमें से एक हमारी ग्राउंड रेफरेंस होती है. सो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू और मोर बिट्स इन अ डेटा यूनिट हैज बीन चेंज्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन द एरर इज कॉल्ड. सो इस पर्टिकुलर केस में यू हैव टू सी ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस. सपोज आप 1011 अगर भेज रहे हो, मान लो एक ही बिट में एरर आई तो ये क्या होगा, सिंगल बिट एरर. लेकिन अगर एक से ज्यादा बिट में एरर होती है तो वो होता है बर्स्ट एरर. ऑलराइट, तो अगर दो या दो से ज्यादा बिट एरर में है देन दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज बर्स्ट एरर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय. सो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का जो मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड किया जाता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर की हेल्प से. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो चैनल्स आर अट्रैक्टिव मीडियम बिकॉज. सो रेडियो चैनल्स को हम यूज करते हैं टू सेंड आर डेटा और उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं. ऑब्वियसली एक कोई मीडियम अट्रैक्टिव मीडियम तब होगा जब उसके पास बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे. सो रेडियो चैनल्स आर केपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द वॉल्स, कनेक्टिविटी कैन बी प्रोवाइडेड टू मोबाइल यूजर्स, दे कैन कैरी सिग्नल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज. सो रेडियो चैनल्स ये तीनों एडवांटेजेस पोजेस करता है. ऑलराइट, सो आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑल ऑफ दी मेंशनड. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक पोजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. सो फाइबर ऑप्टिक जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए इम्यून होता है, सिग्नल अटेन्युएशन बहुत ही कम होता है फाइबर ऑप्टिक्स में और सिग्नल को टैप करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू द अदर ट्रांसमिशन मीडियम्स. सो आंसर फॉर दिस विल बी ऑल ऑफ द मेंशनड. सो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स में पूछा गया है, तो उसकी प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर. सो एक
पर्टिकुलर क्वेश्चन से ही आपका पूरा जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाता है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका पूरा टॉपिक के जो बेसिक्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरसी स्टैंड्स फॉर, तो सीआरसी स्टैंड्स फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ टेम्पररली डिलेइंग आउट गोइंग एक्नॉलेजमेंट सो दैट दे कैन बी हुक्ड ऑन टू द नेक्स्ट आउट गोइंग डेटा फ्रेम इज कॉल्ड। तो जब भी हम लोग एक्नॉलेजमेंट और डेटा को साथ साथ भेज देते हैं जस्ट टू यू नो प्रिवेंट टाइम, तो वो टेक्निक का एक एग्जाम्पल है पिगी बैकिंग। तो पिगी बैकिंग में हम लोग टेम्पररली एक्नॉलेजमेंट को डिले कर देते हैं ऑलराइट, और नेक्स्ट डेटा फ्रेम के साथ हम उसे भेज देते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर के क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं दैट शुड बी नोन टू यू। तो डेटा लिंक लेयर जो है वो फ्रेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, चैनल कोडिंग जो होती है वो डेटा लिंक लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा चैनल कोडिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड यूटिलाइजेस अ रिंग टोपोलॉजी। तो IEEE की बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, अब इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड रिंग टोपोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज IEEE 802.5। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ अ नेटवर्क फॉलोइंग रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी जिस भी नेटवर्क में आप यूज करते हो उस पर्टिकुलर नेटवर्क में आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज होता है कि वो इजी टू इंस्टॉल और रिकॉन्फिगर होती है। एडिंग और डिलीटिंग अ डिवाइस रिक्वायर्स ओनली टू कनेक्शन, अगर आपके नोड्स रिंग में कनेक्टेड है ऑलराइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर डिवाइस को रिमूव करना है तो आपको ये दोनों लिंक को डिसेबल करना पड़ेगा। सो एडिशन और डिलीशन काफी इजी होता है रिंग टोपोलॉजी के केस में। फॉल्ट आइसोलेशन इज सिंप्लीफाइड क्योंकि ये सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो अगर कोई भी एक नोड वर्क करना बंद कर देगा तो वो आप आसानी से डिटेक्ट कर पाओगे। सो ये तीनों ही एडवांटेजेस हैं रिंग टोपोलॉजी के केस में ऑलराइट। सो आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइसेस इन अ नेटवर्क आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग की फॉर्म में जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तो आपको इस नाम से ही समझ में आ जाएगा कि मैं किस टोपोलॉजी की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिंग टोपोलॉजी, जहां पे आप नोड्स को एक रिंग की फॉर्म में कनेक्ट करते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस मीडियम यूजेस रेडियो वेव फॉर ट्रांसमिशन विच लाई इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। तो जब हम वायरलेस मीडियम अडॉप्ट करते हैं अपने सिग्नल को भेजने के लिए, हम बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडियो वेव्स को यूज कर सकते हैं। तो उसका जनरलाइज्ड जो रेंज होगी दैट वुड बी अप्रोप्रिएट टू बी गिवन एज 3 kHz to 1 GHz ऑलराइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया ऑफर्स द हाईएस्ट बैंडविड्थ ओवर द अदर मीडियम्स। तो जो भी ट्रांसमिशन मीडियम हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें जो मैक्सिमम बैंडविड्थ होती है, जो हाईएस्ट बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाती है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑप्टिकल फाइबर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉपर वायर एट द सेंटर एंड एन इंसुलेटिंग कवरिंग ओवर इट इज यूज्ड इन। सो दिस पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर इज दैट ऑफ अ कोएक्सियल केबल। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर वुड बी ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया इज यूज्ड इन केबल टीवी नेटवर्क्स। तो केबल टीवी नेटवर्क्स में हम कौन से ट्रांसमिशन मीडिया यूज करते हैं, वो होते हैं कोएक्सियल केबल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अ मेटालिक ब्रेड इज यूज फॉर प्रोटेक्शन इन। सो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है उसमें दो कैटेगरीज होती है आपके पास, एक शील्डेड होता है और एक अनशील्डेड होता है। सो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है वहां पे आप एक मेटालिक ब्रेड यूज करते हो जस्ट टू गिव प्रोटेक्शन टू द केबल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा रेट ऑफर बाय ट्विस्टेड पेयर केबल कैन गो अप टू। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी 1 Mbps ऑलराइट। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स का जो डेटा रेट है वो 1 Mbps तक जा सकता है मैक्सिमम। तो आई हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें से आपको बेस्ट सुटेबल ऑप्शन को चूज करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स ट्विस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। अगेन दिस इज अ वेरी इजी वन। सो ट्विस्टेड पेयर केबल में दो वायर्स होती हैं जो एक हेलिक्स की फॉर्म में आपने ट्विस्ट की होती हैं। तो आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय पीपीपी टू आइडेंटिफाई नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इज। सो आंसर फॉर दिस वुड बी
NCP. Moving to the next question, what is the purpose of flow control? So flow control का क्या purpose होता है? Basically flow control हम इसलिए करते हैं कि अगर आपके पास एक sender है and from the sender you are sending some data to the receiver. So receiver data किस speed में process कर सकता है? There will be a limit to that. So flow control में हम ये ensure करते हैं कि हम data उसी speed पे भेजें कि receiver उसको process कर पाए. तो फ्लो कंट्रोल का क्या पर्पज होता है? इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ मींस फॉर द रिसीवर टू गवर्न द अमाउंट ऑफ डेटा सेंड बाय द सेंडर. ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डेटा भी नहीं भेजना है कि रिसीवर उसको प्रोसेस ना कर पाए, और बहुत कम डेटा भी नहीं भेजना है कि रिसीवर खाली बैठा रहे. ऑलराइट, सो वो हम मेंटेन करते हैं बाय यूजिंग अ सूटेबल फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Acknowledgements, sequencing and flow control are characteristics of which OSI layer? So ये जो सारे roles होते हैं वो कौन से layer करता है? Which layer is responsible for all these tasks? So data link layer is responsible for all these tasks. Moving to the next one, to implement a network medium that is not susceptible to EMI, which type of cabling should you use? So for that particular network we should be using optical fiber. Moving to the next one, the stop and wait ARQ, go back and ARQ and the selective repeat ARQ are used for. So ये सारे protocol use होते हैं noisy channels के लिए. Moving to the next question, both go back and selective repeat protocol use a. So ये सारे दोनों protocol sliding window mechanism use करते हैं to implement flow control. Moving to the next question, the most common protocol for point-to-point access is the point-to-point protocol, which is a. So point-to-point protocol जो होता है वो एक byte-oriented protocol होता है. Moving to the next one, header of a frame generally contains. So जब भी हम data भेजते हैं हम उसे क्या करते हैं, frames की form में उसे organize करते हैं. ठीक है, तो frame का जो header होता है उसमें काफी सारे information हम store करते हैं. Alright, so header में आपके पास synchronization bytes भी होती हैं, एड्रेसेस भी होते हैं और फ्रेम आइडेंटिफायर भी होते हैं. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन सीआरसी देयर इज नो एरर इफ द रिमाइंडर एट द रिसीवर इज. सो सीआरसी के केस में क्या होता है कि अगर आपका रिमाइंडर जीरो है दैट मींस नो एरर इज देयर इन द डेटा. ऑलराइट, और अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आता है दैट मींस देयर इज अ एरर इन द डेटा. ठीक है, सो अगर कोई भी एरर नहीं है तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जीरो. Moving to the next question, the type of frame in HDLC protocol is determined by. ठीक है, HDLC protocol में तीन type के frames होते हैं. Alright, so आप जो frame भेज रहे हो वो किस type का frame है, that is determined by the control field. Moving to the next question, HDLC protocol is a bit oriented protocol. PPP जो है point to point protocol वो है byte oriented protocol, और HDLC प्रोटोकॉल एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लिंक सेटअप एंड डिसकनेक्शन. सो लिंक सेटअप और डिसकनेक्शन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज कैरिड बाय अननंबर्ड फ्रेम्स. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द फील्ड इन द फ्रेम यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम इज. जब भी हम डेटा भेजते हैं हम उसे फ्रेम्स में ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑल राइट, और फ्रेम का स्टार्टिंग और एंडिंग हमें इंडिकेट करना होता है, तो वो हम कैसे इंडिकेट करते हैं, वो हम फ्लैग फील्ड की हेल्प से इंडिकेट करते हैं कि मेरा जो फ्लैग फ्रेम है वो अब स्टार्ट होने वाला है, और एंडिंग के लिए भी हम फ्लैग ही यूज करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड आर दोज ऑफ. सो आउट ऑफ द पॉसिबल फोर ऑप्शन सबसे स्लोएस्ट स्पीड जो होती है वो ट्विस्टेड पेयर वायर की होती है. Moving to the next question, which topology has the highest reliability? So highest reliability से मेरा मतलब है कि अगर कोई भी link fail होता है तो उस particular case में आपका पूरा network fail नहीं होगा. Alright, so mesh topology के case में क्या होता है, हर एक node के बीच में एक dedicated connection होता है, और कोई भी अगर connection fail भी होगा तो आपके पास एक alternate path जरूर होगा अपने destination node के पास पहुंचने के लिए. तो out of the all the topologies that are listed here, मैश टोपोलॉजी सबसे ज्यादा रिलायबल होती है, बिकॉज यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट एन ऑल्टरनेट पाथ टू रीच द रिसीवर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, बाइट स्टफिंग मींस एडिंग अ स्पेशल बाइट टू द डेटा सेक्शन ऑफ द फ्रेम.
when there is a character with the same pattern as the, all right? So जब हम डेटा फ्रेम्स में भेजते हैं, ठीक है, सपोज मैंने अपने डेटा को फ्रेम में ऑर्गेनाइज कर दिया और मैंने यहाँ पे फ्लैग यूज किया है. सपोज मैं 10 यूज कर रही हूँ इंडिकेट करने के लिए कि मेरा फ्रेम यहाँ पे स्टार्ट होता है. सपोज मैं 10 यूज कर रही हूँ ये इंडिकेट करने के लिए कि मेरा फ्रेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. और अब आपका डेटा भी सपोज इस तरीके से होता है तो डेटा में भी ये दो बिट्स आ रही हैं, ठीक है, ये दो बिट फ्लैग के लिए हम यूज कर रहे हैं. ऑल राइट, तो अगर वही सेम पैटर्न डेटा में भी आएगा तो रिसीवर को क्या लगेगा कि फिर से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है. तो इस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बाइट स्टफिंग करते हैं. तो अगर फ्लैग, मान लो आपका फ्लैग ये है 1011011, अगर यही सेम पैटर्न डेटा में भी आ जाएगा, अगर यही सेम पैटर्न डेटा में भी आ जाए तो रिसीवर को क्या लगेगा कि अच्छा ये तो फ्रेम स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ द डेटा फील्ड. सो टू अवॉइड दिस डिस्क्रिपेंसी फ्लैग को हम रिप्लेस फ्लैग, सो टू अवॉइड दिस डिस्क्रिपेंसी वी यूज बाइट स्टफिंग. ऑल राइट, सो हम लोग क्या करते हैं, जब भी फ्लैग के जैसा सेम पैटर्न हमें मिलेगा डेटा में, हम उसको एक पर्टिकुलर स्पेशल बाइट से रिप्लेस कर देंगे. ऑल राइट, सो आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन बी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स यूज टू रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट द सेंडर कैन सेंड बिफोर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट. सो आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन ए, फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल का मतलब है रिसीवर को कितना डेटा भेजोगे जब आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी. ऑल राइट, सो फ्लो कंट्रोल की हेल्प से हम कितना अमाउंट ऑफ डेटा भेज रहे हैं बेसिकली उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश देन द क्रिटिकल एंगल द लाइट बीम बेंड्स अलोंग द इंटरफेस. सो जब भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. ऑल राइट, सो आंसर फॉर दिस वुड बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो वेव्स आर यूनिडायरेक्शनल, ओमनीडायरेक्शनल एंड बायडायरेक्शनल. सो रेडियो वेव जो होती हैं वो ओमनीडायरेक्शनल होती हैं, दैट मींस एक पर्टिकुलर पाथ वो फॉलो नहीं करेंगी, दे आर गोइंग टू स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शंस, दे आर नॉट एन एग्जांपल ऑफ गाइडेड मीडिया, वो एक अनगाइडेड मीडिया है एंड दे एग्जिस्ट इन ऑल द डायरेक्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, चेकसम्स यूज, चेकसम जो होता है वो वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक पे वर्क करता है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द चेकसम ऑफ 1100 एंड 1010 इज इफ द डेटा इज डिवाइडेड इन टू सेगमेंट ऑफ 4 बिट्स. तो इसका चेकसम क्या आएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे सबसे पहले तो. ऑल राइट, सो वी आर गोइंग टू गेट दिस आंसर, मूविंग दिस बिट टू द लास्ट पोजिशन एंड इसका हमें करना होगा वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. सो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो चेकसम होगा वो क्या होगा, 1000. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एन प्रोटोकॉल्स वी यूज. सो कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में हम लोग बाइट स्टफिंग यूज करते हैं. ऑल द अदर ऑप्शंस आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर. बिट ओरिएंटेड में हम लोग बिट स्टफिंग यूज करते हैं, ठीक है, कैरेक्टर ओरिएंटेड में हम लोग बाइट स्टफिंग यूज कर सकते हैं. तो हमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन द डैश प्रोटोकॉल द सेंडर सेंड्स वन फ्रेम, स्टॉप्स अंटिल इट रिसीव्स कंफर्मेशन फ्रॉम द रिसीवर, ठीक है. सो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या होता है, हम पहले एक फ्रेम भेजते हैं रिसीवर को, ऑल राइट, और जब रिसीवर उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजता है फिर हम अगला फ्रेम भेजते हैं. सो ऑल दो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो है क्योंकि आप हर एक फ्रेम भेजने के बाद एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रहे हो, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फाइबर ऑप्टिक केबल द सिग्नल इज प्रोपगेट अलॉन्ग द इनर कोर बाय. सो फाइबर ऑप्टिक में क्या होता है, सपोज ये आपकी केबल है तो आपका जो सिग्नल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पूरे रिसीवर तक जाता है. सो आंसर फॉर दिस वुड बी रिफ्लेक्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग द डिवाइजर इज. सो जो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है उसमें डिवाइजर का जो साइज होता है वो सेम होता है एज CRC, that means the number of bits are same as the number of bits that are there in the CRC. Moving to the next one, a dash normally connects LANs and WANs in the internet and has a table that is used for making decisions about the route. So router जो होता है वो अलग अलग networks को connect करने के लिए use किया जाता है and with the help of the table we are going to identify
कि हम डेटा पैकेट को कौन से रूट से फॉरवर्ड करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, बस टोपोलॉजी यूजेस, सो बस टोपोलॉजी यूजेस अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया डू नॉट इंक्लूड। गाइडेड का मतलब होता है कि आप एक स्पेसिफिक पाथ होता है जो आपका सिग्नल फॉलो करेगा। सो ये सारे जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसमिशन मीडिया की, ऑल ऑफ दीज आर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। ईएम वेव्स जो होती हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैटेगरी टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल प्रोवाइड्स डेटा रेट अप टू। सो आंसर फॉर दिस वुड बी 2 Mbps। एज आई वॉज सेइंग, आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना है, दैट इज क्लोजेस्ट टू द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इफ इवन पैरिटी इज बींग फॉलोड, द पैरिटी बिट फॉर द कोड वर्ड विल बी। सो इवन पैरिटी है, इसका मतलब नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वन ऑड है, तो अब इसको इवन बनाने के लिए पैरिटी बिट को मैं क्या करूंगी, 1। सो आंसर फॉर दिस वुड बी 1। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फॉर इवन पैरिटी मेथड द पैरिटी बिट विल बी 0 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कोड वर्ड। तो अगर हम इवन पैरिटी फॉलो कर रहे हैं तो पैरिटी बिट 0 उस कोड के लिए होगी जहां पे नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, इवन। सो आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन हियर, ए जो ऑप्शन है दैट इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या है, दे आर इवन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, रो पैरिटी एंड कॉलम पैरिटी इज मेंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सो पैरिटी मेथड जो होता है उसमें टू डायमेंशनल पैरिटी मेथड भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप रो पैरिटी अलग मेंटेन करते हो और कॉलम पैरिटी अलग मेंटेन करते हो। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इज बेस्ड ऑन, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो होता है वो बेस्ड होता है बाइनरी डिवीजन के मेथड पे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अ कोड वर्ड इज रिसीव्ड एज दिस, इफ सीआरसी इज यूज फॉर एरर कंट्रोल द रिमाइंडर एट द रिसीवर शुड बी। तो अगर आपका कोड वर्ड ये है और रिसीव कोड वर्ड ये है, तो यू कैन सी ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पे एक एरर है। ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट डेटा रिसीव हुआ है, तो उस केस में डिवाइजर, तो उस केस में जो रिमाइंडर होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ऑलराइट, सो आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द टोपोलॉजी विच यूज इज अ सेंटर केबल एक्टिंग एज अ बैकबोन ऑफ द नेटवर्क इज। तो बस टोपोलॉजी जो होता है उसमें आप एक सेंट्रल केबल होता है, उसकी हेल्प से आप सभी नोड्स को यू नो कनेक्ट करते हो। ऑलराइट, सो आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन कॉन्टेक्स्ट टू फ्रेमिंग, द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द फ्रेम इज इंडिकेटेड बाय। तो फ्रेम का जो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो फ्रेम के हेडर में इंक्लूड किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द फिक्स साइज फ्रेमिंग इज यूज्ड इन एटीएम सेल्स। ऑलराइट, तो एटीएम सेल्स में जो फ्रेम होते हैं वो फिक्स साइज के बनाए जाते हैं। ठीक है, 53 बाइट का फ्रेम वहां पे फॉर्म किया जाता है। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फुली कनेक्टेड मैश नेटवर्क विद एन डिवाइसेस देयर आर डैश फिजिकल चैनल्स टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस। सो अगर हमें एक मैश टोपोलॉजी का नेटवर्क बनाना है और एन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है, तो हम लोगों को एन इंटू एन माइनस 1/2 नंबर ऑफ लिंक्स की रिक्वायरमेंट होगी टू कनेक्ट ऑल द नोड्स टू अदर नोड्स प्रेजेंट इन द नेटवर्क। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द फ्लो कंट्रोल मेथड विच इज फीडबैक बेस्ड इज स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडो। सो आंसर फॉर दिस वुड बी बोथ ऑफ दीज। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन गो बैक एन ए आर क्यू, इफ फ्रेम्स 4, 5, 6 आर रिसीव्ड, द एक्नॉलेजमेंट सेंट बाय द रिसीवर विल बी। सो 4, 5, 6 फ्रेम आपको रिसीव हो गए हैं, अगला फ्रेम जो होगा वो 7 आएगा, तो जो रिसीवर होगा 7 एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। डीलिमिटर फ्लैग इज रिक्वायर्ड इन, तो डीलिमिटर फ्लैग का मतलब होता है कि यू आर इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द फ्रेम। जब फिक्स साइज फ्रेमिंग यूज होती है तो मुझे पता है, सपोज आई एम यूजिंग फ्रेम साइज ऑफ 10 bytes, सो आफ्टर एवरी 10 bytes आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे फ्रेम चेंज हो रहा है। बट वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में क्या होगा, कभी आपका फ्रेम साइज 10 byte का होगा, कभी 20 bytes का होगा, कभी 30 bytes का भी हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको हर एक फ्रेम की लेंथ जो है वो इंडिकेट करनी पड़ेगी, आपको फ्लैग की हेल्प से इंडिकेट करना पड़ेगा कि यहाँ मेरा फ्रेम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मेरा फ्रेम एंड हो रहा है। सो डीलिमिटर फ्लैग जो होता है वो हमें वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में रिक्वायर्ड होता है, जिससे कि हम ये इंडिकेट कर सके कि आपका फ्रेम कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ फ्रेम एंड हो रहा है। फिक्स साइज में आपको पता है कि आपका फ्रेम का साइज इतना है, तो उस चीज की जरूरत आपको वहां पे नहीं पड़ती। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज डिफाइंड फॉर,
सो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो होता है वो नॉइजलेस चैनल के लिए डिफाइंड होता है. ऑलराइट, आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन बी. द फ्लैग फील्ड ऑफ एन एचडीएलसी फ्रेम इज, फ्लैग फील्ड इंडिकेट करता है कि आपका फ्रेम जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. ठीक है, फ्रेम का स्टार्टिंग जो है वो फ्लैग फील्ड की हेल्प से हम इंडिकेट करते हैं. तो अगर आपके डेटा में ये पैटर्न आ रहा है, ठीक है, अगर आप ये पैटर्न यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स द फ्रेम इज स्टार्टिंग देयर. एच डी एल सी एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो वहां पे जो फ्लैग फील्ड होती है वो ये पर्टिकुलर डेटा पैटर्न होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, साइज ऑफ द रिसीवर विंडो ऑफ द गो बैक एन प्रोटोकॉल इज ऑलवेज, तो रिसीवर विंडो का साइज हमेशा क्या होता है, वन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इफ द वैल्यू ऑफ द कोड सब फील्ड ऑफ कंट्रोल फील्ड ऑफ एस फ्रेम इज 00, इट इज, तो कंट्रोल फील्ड के अकॉर्डिंग देर आर डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन बी इंडिकेटेड. ठीक है, तो अगर आपकी जो कंट्रोल फील्ड है उसमें जो कोड सब फील्ड है वो 00 होगी, तो इसका मतलब है कि रिसीव रेडी एस फ्रेम इज बींग इंडिकेटेड. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द फील्ड दैट डिफाइंस द लेंथ ऑफ द एंटायर लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल इज कॉल्ड, सो लेंथ फील्ड जो होती है वो पूरी पैकेट की जो लेंथ को इंडिकेट करता है. तो दैट इज ऑल फॉर यूनिट टू क्वेश्चंस. ठीक है, इसमें आपको एच डी एल सी प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के सारे फीचर्स जो है वो पढ़ लेने हैं अच्छे से, बिकॉज ऑल दिस टॉपिक्स आर कम्प्लीटली थेरेटिकल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू फाइंड अ वे टू रिमेंबर ऑल द फीचर्स ऑफ ऑल दिस प्रोटोकॉल्स. ये जो टोपोलॉजीज होते हैं इन सभी के सारी प्रॉपर्टीज को याद करने का यू हैव टू मेक अ वे टू रिमेंबर दिस. ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज दिस सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन दैट मे कम अप इन योर एग्जाम. ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर यूनिट टू क्वेश्चन. विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 3. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.